जिला चंबा और मंडी के पंडोह में आज ही एचआरटीसी बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आई। वहीं बिलासपुर में भी एक एचआरटीसी बस में बड़ा हादसा होने की स्थिति बनते बनते टल गई। ये स्थिति ठीक उसी जगह पर बनी जहां करीब 5 साल पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जी हां, बंदला रूट पर दमोह के पास सोमवार दोपहर बाद अचानक से एचआरटीसी की बस हांफ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खुदा न खास्ता अगर ये बस महज 20 मीटर पीछे रुक जाती तो अनर्थ हो सकता था। लोगों का कहना है कि सवारियों से भरी बस में आज ठीक उसी घटनास्थल पर वही दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन सभी यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। इस जगह पर चढ़ाई होने की वजह से अक्सर यहां पर हादसों का खतरा बना रहता है। बस ने किसी तरह चढ़ाई तो चढ़ ली, लेकिन करीब 20 मीटर आगे जाकर ठप हो गई। ऐसे में बस से सवारियों को उतार दिया गया। बस के यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि बिलासपुर बंदला मार्ग पर सरकार और परिवहन विभाग किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है। रोजाना इस मार्ग पर पुरानी बसें भेजी जा रही है जो कि लोगों की जिंदगियों के साथ सरासर खिलवाड़ है। ये बसें बीच रास्ते में ही खराब हो जाती हैं। बंदला सीहड़ा चनालक जाने वाले लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग पर एक महीने से हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा खराब बसें भेजी जा रही हैं, जिससे कभी भी हादसा होने का डर सताता रहता है। रोजाना दर्दनाक हादसों की खबरें सामने आ रही है और बावजूद इसके सरकार और परिवहन विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। वहीं बस से उतारे गए यात्रियों को परिवहन विभाग द्वारा दूसरी बस भेजकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।